करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य की नमन किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। 26 जुलाई को करगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और करगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई, शहादत की जरूरत हुई, तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई। करगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, यह असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था और हम नीचे थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई न पहले लड़ी गई, न भविष्य में इस तरह की लड़ाई की संभावनाएं लगती हैं। ऐसे में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार सदैव अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है।